ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद, अब हिस्सा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कैबिनेट का। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनाने में मध्य प्रदेश में बड़ा हाथ, बड़ा किरदार ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और शायद इसीलिए उनको इस बड़े इनाम से नवाजा गया है। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, 84 बैच के, 25 साल हो गए सर्विस में। मैं राज्यसभा सांसद है बिहार से। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। आपने एक बात अगर गौर की तो पहला जो मंत्री वो मराठा, दूसरा एसटी, तीसरा एससी, हर राज्य को सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ठाकुरों में बड़ा चेहरा, और अब जो अगला नंबर है वो है अश्विनी वैष्णव का। ये ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अश्विनी वैष्णव के बारे में आपको बता दूं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है, पीपीपी मॉडल, उसके फ्रेमवर्क के लिए इनका लोहा माना जाता है। आईआईटी कानपुर से एमटेक की है, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं 94 बैच के, और ओडिशा से राज्यसभा सांसद है। अब तक जितने मंत्रियों ने शपथ ली है
उनमें से एक ही लोकसभा सांसद, बाकी आप देख रहे हैं राज्यसभा से सांसद एक के बाद एक ले रहे हैं शपथ। पशुपति कुमार पारस। अगला नंबर पशुपति कुमार पारस का, दो गुटों में बटे एलजेपी, रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से लोकसभा के सांसद इस वक्त ले रहे हैं शपथ। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्वता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोषित या प्रकट नहीं करूँगा। टीकमगढ़ के लोकसभा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के बाद दूसरे लोकसभा सांसद, अब तक जितने भी मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें से पशुपति पारस जो पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर करते हुए हाजीपुर से एलजेपी के सांसद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के अब आप कह सकते हैं अध्यक्ष है, संसदीय दल के नेता हैं, लोकसभा में बिहार सरकार में 3 बार मंत्री रह चुके हैं। अब अगला नंबर ABP News आपको रखे आगे।